वी आर बैक विद आवर न्यू चैप्टर। ठीक है, अभी तक हमने कौन सा चैप्टर कर रखा था? चैप्टर नंबर 5 तो बोल सकते हो कंटिन्यू में है, बट चैप्टर नंबर 1 था हमारा। जो बुक चल रही थी हमारी थीम्स की, बुक नंबर 2, ठीक है, हिस्ट्री, तो उसका आज रहेगा पार्ट, यानी कि चैप्टर नंबर 6 है वैसे, लेकिन वैसे 2, ठीक है, चैप्टर जो भी हो हम आगे करेंगे। हमारे जो लास्ट में पढ़ा था हमारा, हमने अलवरूनी, ठीक, और फ्रांसवा वर्नियर, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा था। अभी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इसमें भक्ति और सूफी की जो ट्रेडिशंस थे, परंपराएं थे, उनके रिगार्डिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे बता रहा कि लेसन नंबर 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम शताब्दी के मध्य तक आते आते जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, उसका परिवेश, वहाँ के रिलीजियस, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, स्तूपास, विहार और टेम्पल्स में चिन्हित हो गया। ठीक, यदि ये इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वास और आचरणों का प्रतीक हैं, वहीं अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हम साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं, जिनका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना आरंभ हो गया था। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी हैं जो साहित्यिक और दृष्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल हैं, पुराने हैं, मतलब बाकी ये सब वही डेटा दे रखा है। ठीक, पढ़ लेना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बात करेंगे यहाँ से, मेन चीज हमारी यहाँ से, कि रिलीजियस बिलीफ मतलब कैसा था, फेथ कैसा था, और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट कैसी थी। गंगा जमुनी बनावट को आप समझ सकते हो कि इट्स काइंड ऑफ मिक्स्ड, क्योंकि गंगा जमुना इज काइंड ऑफ सिस्टर रिवर, ऐसे बोल सकते हो, तो मिक्सिंग बोल सकते हो। ठीक, तो पॉसिबिलिटी है कि इस काल की सबसे प्रभावी विशिष्टता यानी कि क्वालिटी या स्पेशलिटी यह है कि जो लिटरेचर और मूर्तिकला है दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता, ठीक, मैक्सिमम और दृष्टिगत होते थे, और एक स्तर पर यह एक फैक्चुअल है, इस बात का घोषक है कि विष्णु, शिव और देवी जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, कि आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत थी। कौन कौन से भगवान थे? विष्णु भगवान, शिव भगवान और हमारी देवी जी, ठीक, ये गॉड और गॉडेस चलती थी उस टाइम पे। भक्ति और सूफी परंपरा की बात करें, ठीक है, पूजा प्रणालियों का संबंध बताते हैं कि बे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव यह है कि यहाँ से कम दो प्रक्रियाएं वर्किंग में थी। पहली प्रोसेस क्या था कि ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी, ठीक, ब्राह्मण वाला आपको बता चुका हूं मैं। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छदों में थे जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी गाए गए थे, ठीक है। इसी काल के जो दूसरा प्रोसेस था उसमें था स्त्री शूद्र, शूद्र आपको बता चुका ना, सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और फिर लास्ट में शूद्र आते थे। तो दूसरी प्रोसेस में क्या था कि जो लेडीज हैं, शूद्र हैं और उनके अदर सोशल वर्क हैं, जो कम्युनिटीज हैं, उनकी जो आस्थाएं थी और आचरण था, ठीक है, उनको ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान किया, मतलब कि लेडीज और जो लोअर कास्ट के पीपल थे, इनकी जो नए नए ट्रेडिशंस थे, ठीक है, कल्चर थे, इनको भी ब्राह्मणों ने क्या करना शुरू कर दिया था, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। जनरली समाज स्त्रियों का यह मानना है कि समूचे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी और लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। इतना को समझने की जरूरत नहीं है। आप ये समझो बेसिक कि भाई इस टाइम तक आते आते दो प्रोसेस चल रहे थे, जिसमें पंडित जो ब्राह्मण लोग, मतलब उनका ही एक्सपेंशन हो रहा था ब्राह्मणों का, एक तो अपने खुद को एक्सपेंड कर रहे थे, दूसरा वो थोड़ा थोड़ा लोअर कास्ट और जो उन्होंने दबा रखे थे लेडीज वगैरह को, इनको भी थोड़ा थोड़ा प्रमोशन और प्रोत्साहन मिल रहा था। बस इस प्रक्रिया का सबसे विशेष उदाहरण यह है कि पूरी उड़ीसा में मिलता है, क्यों, जहाँ मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, ठीक, जगन्नाथ विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जगन्नाथपुरी हमारे कहाँ है? उड़ीसा में है। वहां पर कौन से भगवान है हमारे? विष्णु भगवान है, ठीक। अच्छा, आप लोग बताना ब्लैक पैगोडा और व्हाइट पैगोडा अगर आपने सुना हो तो कहाँ कहाँ है? ब्लैक पैगोडा एक जगन्नाथपुरी में है और व्हाइट पैगोडा, अब दोनों मेरे को कमेंट करो अगर आपको पता है तो, अदरवाइज बताओ, मैं कमेंट करूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। महान और लघु परंपराओं के बारे में यहाँ पे डिटेल में दे रखा है कि महान और लघु, महान मतलब ग्रेट और लघु मतलब स्मॉल, ट्रेडिशंस क्या थे। जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषि समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किया गया, ठीक है, और इस समाजशास्त्री का नाम था उसका रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक।
उसने से देखा कि भाई किसान उन कर्म कांडों यानी कि जो भी उनके ट्रेडिशंस हैं और पद्धतियां हैं उनका अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। ठीक, इन कर्म कांडों को रेडफील्ड ने महान यानी कि ग्रेट ट्रेडिशंस की संज्ञा दी थी। पहले जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी थी हमारी अन्य लोकाचारों का भी पालन करते थे जो इस महान प्रॉपर्टी से सर्वथा डिफरेंट था और उसको बोल देते ये लघु यानी कि माइनर ट्रेडिशंस। ठीक है, रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुए थे। ठीक है, ऑल्दो विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते हैं, तथापि वे इन शब्दों में जो पदसोपानात्मक स्वर उभर कर आता है उसकी अवमानना करते हैं और बोलने की से लक्षित करने का एक तरीका है इन शब्दों का उद्धरण चिन्ह के साथ प्रस्तुत करना, जैसे कि लघु और महान। मतलब यही है, लघु क्या है यहाँ पे वो दिखाया गया और महान क्या है, महान ग्रेट थिंग है, लघु मतलब स्मॉल ट्रेडिशन है। दैट्स इट। पर यहाँ पे दे रखा है एक यानी ऊपर जो हमारा फोटो दे रखा है ना चित्र नंबर 6.2 की तुलना की जाए तो हम ये देखेंगे कि देवता को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को जिसकी मूर्ति, जस्ट अ मिनट, ये देखो ये मूर्ति है, स्टैचू देख लो। जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है। ठीक, विष्णु के रूप में भगवान विष्णु को मिले हैं आपको, और विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सबसे डिफरेंट था। ठीक है, समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी। उस टाइम पे कोई पत्थर है उस पर सिंदूर पोत दिया तो उसको बोलते थे वो देवी का मतलब पवित्र स्थान है। आज की डेट में ये हनुमान जी के साथ भी होता है, हमारे भगवान हनुमान जी हैं उनके साथ भी होता है। इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आई थी। हमारे पत्थर के जो सिंदूर पोते हुए थे उनका बता रहे। तो भेद और स्ट्रगल मतलब कि डिफरेंसिएशन और फिर स्ट्रगल क्या था उनका। ठीक, तो मैक्सिमम क्या था, देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही ऐसे फैक्ट पूछते हैं। देवी की आराधना को किस नाम से जाना जाता था, तो कौन सी पद्धति थी, तो तांत्रिक पद्धति थी। ठीक है, तांत्रिक आपको लगेगा जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह से रिलेटेड, बट ऐसा नहीं है। हमारी गॉडेस की जो भी हम पूजा प्रेयर वगैरह करते थे उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते थे हम देवी की तांत्रिक पूजा करना। ठीक है, तो तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हमारे फीमेल थी और मेल दोनों ही शामिल हो सकते थे। एंड इसके अलावा कर्म कांड के संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। कोई कास्ट और रिलीजन सबकी मतलब निंदा करते थे कि ऐसा कास्टिज्म और रिलीजन कोई भी ऐसा फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, और इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। ठीक है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न हमारे जो नदन और सदर्न पार्ट्स में। ठीक है, आगामी जो आने वाली सेंचुरी थी इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। और यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच में कंपैरिजन करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह गौड़ हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट, वैदिक टाइम पे कौन से थे, अग्नि देवता, इंद्र, अग्नि देवता जो वो आग वाले थे, इंद्र देवता पानी वाले, और सोम देवता हमारे सोमरस शांति वाले से बता सकते, जैसे देवता पूरी तरह गौड़ हो गए। और लिटरेचर और मूर्तिकला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं दिखता। ठीक है, मतलब तो अच्छा इन देवताओं को इसमें नहीं दिखता है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जब चल रहा था। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु शिव और देवी की झलक मिलती है, वैदिक के मंत्र जो है मंत्रों में मिलेगी, विष्णु भगवान शिव और देवी जी मिलेंगी। इसकी तुलना इनके बेशक पौराणिक वितकों से कदापि नहीं की जा सकती, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रमाणिक माना जाता रहा। इसमें कोई बंडर की बात नहीं है कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे, तो यज्ञ वगैरह नहीं करते थे। इसके विपरीत वो लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। तांत्रिक पूजा मतलब देवी देवता को पूजते थे और वैदिक सत्ता थी उसको वो नहीं मानते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु, ठीक है, या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से भी संबंध अक्सर इसलिए तनावपूर्ण भी हो जाते थे क्योंकि सारा डिफरेंट हो जाता था ना, कि कोई तांत्रिक पूजा कर रहा है। ठीक है,
और जो हमारे बौद्ध और जैन धर्म है स्पेशली किस पे लॉजिकल उस पे डिपेंड करते थे, तो कई बार इस चीज में क्लैश होता था। ठीक है, यद्यपि स्पष्ट द्वंद कम दिखाई, मतलब क्लैश थे, ऑल्दो दिखाई कम पड़ते हैं बट होते थे। भक्ति परंपरा को हमें इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा। हम जिस काल पर विशेषकर गौर कर रहे हैं, इस उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। ठीक है, 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी थी। उस समय भक्त प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। ठीक, भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। उस टाइम पे जो भक्ति रचनाएं थी उनका बोला यानी कि मंत्रों की तरह उच्चारण किया जाता था, उनको गाया जाता था। ठीक, वैष्णव मतलब वैष्णव विष्णु भगवान, शैव संप्रदाय पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है क्योंकि इनका भी गाना गाया और उच्चारण किया जाता था। ठीक है, अब उपासन की कविताएं प्रारंभिक भक्ति परंपरा के रिगार्डिंग क्या थी। आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे, संत कवि ठीक, जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। और तो बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवता और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे, ऑल्दो इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति और स्थान दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोअर कास्ट के पीपल थे और लेडीज थे इनको भी इन्होंने एक्सेप्ट किया था। ठीक, भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। दूसरे स्तर पर क्या था, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, दैट इज सगुण जिसमें कि विशेषण रहेगा और निर्गुण यानी कि विशेषण जिसमें विशेषण नहीं रहेगा। ठीक, प्रथम वर्ग में शिव, ये देखो मैं लिख रहा हूँ इसको सेपरेटली, सगुण और निर्गुण, इसमें हमारे शिव भगवान थे, विष्णु भगवान थे और देवी थी, मतलब जिन जिन भगवानों की स्टैचू मिलती हैं। ठीक, सगुण मतलब गुण सहित और उनका सकल सहित, सॉरी इसमें ये लोग मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे, सगुण वाले मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे। ठीक, और निर्गुण वाले क्या करते थे, इनके कोई भगवान नहीं थे। ठीक, मतलब ऐसे भगवान थे लेकिन वो उनके कोई स्टैचू नहीं था। ठीक है, निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त और निराकार ईश्वर, मतलब कि वो नेचर को मानते थे या फिर बोल सकते थे कि वो ईश्वर जो भी है हमारा, मतलब एक ऑलमाइटी है। ठीक है, वो उसका कोई रूप नहीं है तो वो मानते थे, वो था निर्गुण, नाम से दिखता, सगुण मतलब सकल सहित जिनमें उनका स्टैचू वगैरह था, निर्गुण मतलब उनका नहीं था। ये देखो आपने पढ़ा हुआ तमिलनाडु में थे अलवर और नयनार। ठीक, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 36 सेंचुरी की बात है, अलवरों में विष्णु भगवान भक्ति में तन्मय थे, वेरी इंपॉर्टेंट, अलवर विष्णु भगवान के थे और नयनार किसके थे, शिव भक्त थे। ठीक है, ये रट लेना, ऐसे ही हिस्ट्री में यही कॉन्सेप्ट होते हैं, अलवर विष्णु नयनार शिवन शिव भक्त, उनके वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे करते हुए तमिल में अपने ईष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। ठीक है, अपनी यात्राओं के दौरान अलवर और नयनार संतों में कुछ पावन स्थलों को अपने ईष्ट का निवास स्थल घोषित किया, इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल माने गए। ठीक है, संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। चार वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण और अस्पृश्य चतुर्वेदी, ये उद्धरण तोंतार डिपोडी नामक एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया, इतना पढ़ने लेकिन पढ़ सकते हो कि चतुर्वेदी क्या था, जो अजनबी है और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनसे भी ज्यादा आप हैं, मतलब कि हे विष्णु भगवान उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम रखते हैं, चाहे वो बड़ व्यवस्था से परे हों। ठीक, बड़ व्यवस्था मतलब कि कास्टिज्म। अब यहाँ पे देखो देखा कि जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था, मतलब उनका क्या नजरिया क्या था जाति के प्रति। ठीक, तो कुछ जो हिस्टोरियन से उनके मानना है कि अलवर और नयनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुत्ता के विरोध में आवाज उठाई थी, मतलब कि जो ब्राह्मणों ने जो रखा था ना एक कास्टिज्म सिस्टम का, सबसे ऊपर ब्राह्मण क्षत्रिय फिर वैश्य शूद्र, उसके अगेंस्ट में उन्होंने बोला था, किसने, हमारे जो अलवर और नयनार थे, अलवर किसके पूछते थे, विष्णु भक्त थे अलवर और नयनार शिव भक्त। आपको याद करने ट्रिक बताऊं,
जैसे कि नयन आर थोड़ी थोड़ी फील आ रही है, नयन नयन क्या होते हैं, हमारी आंख होती है, तो विष्णु भगवान के पास कितनी आंखें हैं पता है सबको, लेकिन एक स्पेशल आंख है जो हमारे शंकर जी भगवान के पास है, तो ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो। ठीक, इसके अलावा कुछ हद तक यह बात सत्य होती है कि भाई क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों में थे, जैसे कि ब्राह्मण थे, शिल्पकार थे, किशन और कुछ तो उन जातियों से आए जिन्हें स्पर्श यानी कि अछूत माना जाता है, जिनको टच करना भी वो लोग फील नहीं करते थे, ब्राह्मणों ने जो प्रथा बना रखी थी मनुस्मृति के अकॉर्डिंगली। ओके, तो अलवर और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। फॉर एग्जाम्पल अलवर संतों के एक मुख्य काव्य संकलन उसका नाम है नल ईरा दिव्य प्रबंधम, का वर्णन तमिल के वेदों के रूप में किया जाता था, और इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना, मतलब कि जो ब्राह्मणों ने बनाए थे चार वेद, उससे भी ज्यादा या फिर उसके बराबर ही बताया गया था कि जो अलवर और नयनार अलवर के संतों ने बनाया था ना, नलईरा दिव्य प्रबंधम, ये किसने लिखा है, हमारे अलवर के संतों ने लिखा, मतलब विष्णु भक्त संतों ने। स्त्री भक्त की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी है कि इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। ठीक है, उपस्थिति स्त्रियों की थी, उदरता अंडाल नामक स्त्री, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडार अलवर स्त्री के भक्ति गीत, मतलब कि अब अंडार अलवर कौन से भगवान को पूछते थे, हमारे विष्णु विष्णु भगवान को। ठीक, अब इसको याद रखने ट्रिक यही है कि अलवर में आ हो गया और अंडाल में आ गया, तो अंडाल नाम की जो लेडी थी वो अलवर स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते हैं और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपने मतलब लवर बोल सकते हो ऐसा, कि जो उनको प्रेम करती थी, प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। एक और स्त्री शिव भक्त थी कराईकल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक कराईकल अम्मयार है, ठीक है, जो हमारी हाँ जी, तो कराईकल अमैयार और अंडल, याद रखना कराईकल अमैयार हमारी थी शिव भक्त थी, जिनको बोलते हैं नैनार, यही इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। ठीक है, और जो अंडल लेडी थी, ठीक है, वो विष्णु भक्त थी, इनको बोलते हैं अलवर, जैसे कि अलवर में बा आता है तो बा से विष्णु बना सकते हो, ऐसे ये ट्रिक बन सकती है। ओके, बाकी आगे पढ़ते हैं, और अलवरों का एक वो बुक भी है ना, नलायरी दिव्य प्रबंधम, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो एक स्त्री जो कि शिव भक्त थी कराईकल अमैयार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था, नयनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया, हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया, वह किसी वैकल्पिक यानी कि ऑप्शन व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं में पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। शास्त्र भक्ति बारे में बताया गया कि यह छंद अपार नामक नयनार संत की रचना है। ठीक है, अपार नामक नयनार संत थे, उनकी रचना है कि हे धूर्त जन, जो तुम शास्त्र को उद्धत करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का, तुम केवल मारपेरू के स्वामी जो कि शिवजो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू में बसते हैं, उनको बता रहे को अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नतमस्तक हो। ठीक है, भक्ति साहित्य का संकलन के बारे में बताते हैं कि 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया, जो नलायरी दिव्य प्रबंधम अलवरों ने लिखा था, 4000 पावन रचनाओं के नाम से जाना जाता है, इसमें 4000 रचनाएं थी। 10वीं सेंचुरी में ही अपार समंदर और सुंदरार की कविताएं तबरम नामक संकलन में रखी गई थी, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ था। तो अलवरों की जो रचना है वो यही है, तबरम में तबरक नामक संकलन है उसमें रखी गई है, तो ये इम्पोर्टेंट है, तबरम जिसमें अलवारों की वो रखी हुई है रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, अपार, ये जो अभी है ना यहाँ पे अपार, ठीक, फिर समंदर और सुंदरार, बस इनकी रचनाएं लिखी हुई है कहाँ पे, तबरम नामक ग्रंथ में। अब यहाँ पे दे रखा है कि एक राक्षसी के बारे में बता रखा है कि यह उद्धरण कराईकल अमैयार की कविता से लिखा गया है। अब कराईकल अमैयार आपको याद रहेगा
शिव भक्त थी, इनको बोलते हैं हम नयनार, दूसरा नाम है, बस ये रखना कुछ नहीं। जहां वे स्वयं का वर्णन कर रही कि राक्षसी फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें सफेद दांत और भीतर धसा उदर, लाल केस और आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई है, वन में विचरते समय चीखना और क्रंदन, ये अलंकटु का वन है जो हमारे पिता शिव का घर है। वह नृत्य करते हैं, उनके जटाजूट आठों ओर बिखर जाते हैं, उनके अंग शांत हैं, ये सब बता रखी है कांस की मूर्ति के द्वारा बता रखा है। ठीक है, अभी हाउ आर द रिलेशन विद द स्टेट्स, लाइक हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि तमिल क्षेत्र में जो 1st सेंचुरी ईस्वी के मारम में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थी, ठीक बता चुका था। 8th सेंचुरी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांड्य राज्य 6 से 9वीं शताब्दी ईस्वी शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे और उन्हें व्यापारी व शिल्पी वर्ग का प्रश्रय हासिल था। इन धर्मों का राजकीय संरक्षण और अनुदान यदाकदा ही हासिल होता था। और एक मतलब ये फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। विरोध का स्वर नयनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। हिस्टोरियन ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा थी, यानी कि कॉम्पिटिशन था। और यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोलाज 9वीं से 13वीं शताब्दी में थे। सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को सपोर्ट किया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि भी अनुदान मतलब कि गिफ्ट में दी थी, लैंड गिफ्ट किया। ठीक, ये यहाँ पे स्टैचू दे रखी है, अब आपको पता ही होगा ये स्टैचू किन की है, नटराज के शिव। ये क्वेश्चन था सीएपीएफ का, था सीएपीएफ 2022। नटराज की शिवलिंग के रिगार्डिंग कुछ था कि सबसे एंशियंट करके कुछ था, कौन सी मूर्ति, डांसिंग, यस यस डांसिंग करते हुए मूर्ति कौन सी वाली है सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखा है चिदम्बरम तंजावुर और गंगैंडो चलपुरम के विशाल से मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए थे। इसी काल में कांस्य में ढली कई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ है। स्पष्ट है कि नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। नैनार और अरवर अलवार संत बेलाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए आश्चर्य नहीं कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। फॉर एग्जाम्पल, चोल सम्राट जो भी थे उन्होंने दैवीय समर्थन का पाने का दावा किया था और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसने? नैनार और अलवर ने, जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थीं। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को जो जन भाषाओं के में गीत रचते और गाते थे मूर्त रूप प्रदान दिया गया था, मतलब स्टैचू बनवाई गई थी। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ तबरम, बता चुका हूँ आपको किसका था, अलवर्स का था। ठीक है, अप्पा या अपार, सुंदरार और बवंदर, ऐसे भी उनके सबका संकलन है इसमें, तबरम में करने का भी जिम्मा उठाया। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अपार समबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित कराई। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था। कर्नाटक की वीर शिव परंपरा के रिगार्डिंग यहाँ पे दे रखा है कि 12th सेंचुरी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ था, जिसका नेतृत्व वासवन्ना नामक एक ब्राह्मण थे, उन्होंने किया था। ठीक, वासवन्ना वसुराम कर्नाटका, वासवन्ना कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। कलाचुरी राजा, इनके अनुयायी जो फॉलोअर थे, वीर शैव शिव के जो वीर और लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए गए थे। ठीक है, आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में इम्पोर्टेंस है और वे शिव की आराधना मतलब जो सेक्सुअल पार्ट होता है मेल का, उस लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर मतलब वाम स्कंद मतलब कि लेफ्ट शोल्डर पर क्या करते हैं, चांदी के एक पिटार में एक लघु लिंग को धारण करते हैं। ठीक है, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, उनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल हैं। लिंगायतों का ये विश्वास है कि मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे वो लोग और इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वो पालन नहीं करते हैं और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। ठीक है, लिंगायतों ने क्या किया कि जाति की अवधारणा और कुछ शब्दों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का अवरोध किया था। ठीक है,
पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कि ऐसा क्या है, रिवर्त ऐसा कुछ नहीं होता। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौड़ स्थान मिला था, गौड़ मतलब बहुत ऊंचा दर्जा मिला था, वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए, ठीक, फॉलोअर्स बन गए थे लिंगायत। तो जो ब्राह्मणों ने जो भी अपनी कहानी बताई थी उनकी जो भी लोग मानते थे, तो जब लिंगायतों ने अपनी चीजें बताई थी तो वो लोग ब्राह्मणों को छोड़ के लिंगायतों के फॉलोअर्स बन गए थे। तो धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार मतलब अनएक्सेप्ट किया गया था, जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, मतलब इसको एक्सेप्टेंस नहीं दी गई थी कि मतलब एडल्ट मैरिज या फिर कि जो भी विडो रीमैरिज होती, वो सब लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिंगायतों ने उन्होंने सब कुछ किया था। वीरशैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ लैंग्वेज में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे, ठीक। यहाँ पे अनुष्ठान और यथार्थ संचार के बारे में दे रखा है, ये बशबन्ना द्वारा रचित एक वचन है कि जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं, जो हमारे भगवान शिव हैं, ठीक, सांप रहता है ना, तो जब वो एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं, यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो। तो देवता के उस सेवक को जो भोजन परसने पर खा सकता है वो कहते हैं चले जाओ चले जाओ, किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकता है वो भोजन परोसते हैं। तो इन सब का उन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। नए जो रिलीजियस बिलीफ दिए थे उन्होंने क्या दिया था कि मध्यवर्ती सेंचुरीज में मुख्य विकास देखने में आया कि एक ओर तो तमिल जो भक्ति थे, खासतौर से विष्णु के जो विचारकों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया था, और जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भागवत पुराण की रचना की, ठीक है। सेकंड क्या था कि 13वीं सेंचुरी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि उत्तरी भारत में धार्मिक उफान कहाँ पे था, नॉर्थ इंडिया में रिलीजियस का क्या सीन चल रहा था। तो इस काल में क्या चल रहा था कि उत्तर भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था, किंतु हिस्टोरियन को अलवर और नैनार संत की रचनाओं जैसे कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है, तो इसका ये मानना है कि हिस्टोरियन मानते हैं कि भाई उत्तरी भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ, ठीक है, राजपूत टाइम चल रहा था, और इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वे ऐहिक तथा अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। इन उनकी इस प्रवृत्तता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया होगा। तो इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था, और ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे, और उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे जिनमें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व तो बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों के विस्तार और सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुओं की तो मांग डिमांड भी बढ़ रही थी, ठीक। तो अनेक जो नई नई मॉडर्न धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी, मतलब वो तो उनको चैलेंज किया और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे, ओके। समय के साथ ये लैंग्वेज उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं, और अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रशन्न हाल हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। तो इस स्थिति में क्या था कि एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था, टर्की द्वारा आए थे इस टाइम पे, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत 13वीं सेंचुरी की रिगार्डिंग हुई थी, और सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। इन परिवर्तनों के प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा था। सूफीज वगैरह इस टाइम पे आ रहे थे, तो सूफीज का आगमन इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था। कुरान शरीफ आपने पढ़ी होगी, सॉरी पढ़ी तो नहीं होगी, मतलब जिसने भी पढ़ी हो तो उसके पेज का ये पार्ट है, ठीक है। ये 8वीं और 9वीं सेंचुरी की किसी पांडुलिपि से लिया गया, कुरान शरीफ मुस्लिमों की जो होली बुक है। अब बताते हैं कि दसाले के नए ताने वाने, दुशाले के नए ताने वाने और इस्लामिक परंपरा के रिगार्डिंग यहाँ पे दे रखा है, ये सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो जिस तरह उपमहाद्वीप के जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे जस्ट अ सेकंड
जो हमारे इस्लामिक रीति रिवाज है ना उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक इसके लिए बहुत हो गया, 30 मिनट 31 मिनट पहले थोड़ा लैपटॉप प्रॉब्लम हो गया था। विल ट्राई, ठीक है, इसको हम यहीं खत्म करते हैं। अगला वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, जिसमें हम हमारा जो इस्लामिक का इन्वेजन था कैसे हुआ वगैरह वगैरह वो हम देखेंगे। तो कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप करो इस नंबर पर और कमेंट करो, या फिर मैं जल्दी टेलीग्राम लिंक भी भेज दूंगा आपको, ठीक है, वो भी कर लेना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, रिवीजन करते रहो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।